वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ गर्जे रविंद्र, मैथ्स फैकल्टी। आज हम पीयूसी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 2022 का कुछ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो लास्ट सेक्शन में हम मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ। आज हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए में तो टोटल मैथमेटिक्स में ना क्वेश्चन पेपर पैटर्न में ना आपको ना 5 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ कितना करना है हमारे को 10 क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट आंसर एनी 10 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको क्या पूछे सो यहाँ पे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, आपको एक रिलेशन देना है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिए हुए, द रिलेशन ए इज इक्वल टू -5 और -6। डिफाइंड बाय द रिलेशन क्या है हमारे पास, -5 -6 -6 -5 और -5 -5। अगर सिमेट्रिक करना है, सो सिमेट्रिक के लिए करना क्या हमारे पास, ए कॉमा बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए, ओके। एंड ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी। तो हमारे पास ए कॉमा सी दोनों भी हैं, तो देयर फॉर आर इज ए रिफ्लेक्स, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव लिए क्या होना हमारे पास, -5 -5 एंड -6 -6, ये दोनों भी पेयर एक गिवन रिलेशन में नहीं है। दैट वाई दिस इज ए नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओनली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशंस, ओके। तो बेटा डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशंस, द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार ए क्रॉस ए, मींस इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टेंस टू ए, वी डिनोटेड बाय स्टार ए कॉमा बी इज ए स्टार बी। इसको हम ऑर्डर पेयर को डिफाइन कैसा करते हैं, स्टार ए कॉमा बी बाय ए स्टार बी को डिनोट करना है इसको, दिस इज द बाइनरी ऑपरेशंस। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। अगर हम इसको, ये नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल को अगर पॉजिटिव बनाना है तो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, अब पाई एज इट इज माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो 1/2 की वैल्यू कितना होती है हमारे पास, अब कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। तो 3π - π इज इक्वल टू 2π/3, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग मेथड से करें तो लाइक कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू वाई, देन कॉस इनवर्स कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2, ये मेथड से भी हम कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में करना है तो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लेके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, नेगेटिव एंगल को क्या करें हम पॉजिटिव बना लिए, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू एलसीएम 3, 3π - π इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे को ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर हम ये साइन अगर राइट साइड में मूव करें समझो, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देन दोनों की वैल्यू क्या रहना हमारे पास, एंगल सेम रहना, ये दोनों भी एंगल क्या रहना हमारे पास, सेम रहना, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/5, दिस इज द आंसर, ओके। x इज इक्वल टू 1/5, हम शॉर्ट में 1 मार्क्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइंड ए रो मैट्रिक्स, डिफाइंड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मीन्स द रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, मीन्स वन हॉरिजेंटल लाइन। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज द रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो,
कौन सा भी मैट्रिक्स है हमारे पास, वन रो, तो ओके, तो देन ए इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज द रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th one. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स टू 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 6, एक गलत हो सकता है, x इक्वल टू 6 इज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 18 into 2 36 इज इक्वल टू 6 into 6 36, 18 to 6 36. ओके, तो 36 और माइनस 36 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 6. ओके, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ cos x, फाइंड dy बाय dx. तो y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x, दिस इज द डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर ऑफ cos x, देन d बाय dx ऑफ e to the power of x is equal to e to the power of x, then e to the power of cos x is equal to e to the power of cos x, cos x is a function. Okay, cos ka derivative minus sin x, isko arrange karke minus sin x e to the power of x cos x, hum easily isko solve kar sakte hain. And question number 8th one, if y is equal to sin x square plus 5, find dy by dx. To ab isko find dy by dx, कल आपको मैं लास्ट सेक्शन में आपको बताया था इसे चेन रूल में का क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है. ओके, तो आपको ना फंक्शन, एंगल या पावर, पावर फंक्शन एंगल, तो यहाँ पे तो आपको ना ओनली फंक्शन एंड एंगल है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव इज 2x. ओके, इसको अरेंज करके लिख दीजिए 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th one, फाइंड 2x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x इंटू dx इज ए इंटीग्रल. ये कौन सा फॉर्म है आपका, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये. ओके, इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन, तो 2 का 2 बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x इंटू dx, तो 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 6, ये वाला फॉर्मूला. तो x टू द पावर ऑफ 3 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x प्लस c, c इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इवाल्वेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1 बाय x dx. तो ये डेफिनेट इंटीग्रल, लेट I इज इक्वल टू डिनोटेड बाई इंटीग्रल I, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1 बाय x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय dx इज इक्वल टू log x. ओके, 2 to 3, लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3, देन फर्स्ट पुट अपर लिमिट log 3 माइनस log 2 इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n 3 बाय 2, दिस इज द आंसर. ओके, log 3 माइनस log 2 इज इक्वल टू log 3 बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th one, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 2i प्लस 3j प्लस k. अभी इस ये वेक्टर का क्या फंड करना है हमारे को, इज ए यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, द यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो ए वेक्टर वी नो दैट 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 रूट 14. ओके,
यहाँ पे दिया देखो, आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट 14 एंड ए यूनिट इक्वल टू ए कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर इज इसको अरेंज करके लिख सकते 2 डिवाइड बाय रूट 14 आई, 3 डिवाइड बाय रूट 14 जे एंड 1 डिवाइड बाय रूट 14 के कैप। एंड क्वेश्चन नंबर 12th वन, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको ना दो वेक्टर्स ऐसे लिखना है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहना है, सेम रहना। तो आप ये दो रटने की जरूरत भाई है, आप कौन से भी दो वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओके आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस 3k। ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता। तो 1 प्लस 4 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 रूट 14, इसका मैग्नीट्यूड रूट 14 एंड दिस वन मैग्नीट्यूड 9 प्लस 1 10 4 ये रूट 14। ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता हमारे पास, सेम रहता। तो आप दोनों में कौन सा भी एक वेक्टर ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, दस टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर क्या हमारे पास डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड क्या इसका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस का क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर 100। अगर सेम क्वेश्चन आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस पूछा तो 010। अगर वन सपोज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछा तो 001 करना है आपको। ये टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एनुअल एग्जाम में, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन फिजिबल रीजंस ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो आपको ना ये डिफाइन करना है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं हम, तो हमारे पास द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कंस्टेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। दिस इज द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0, ये क्या हमारे पास इज ए नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है, इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो पूरे जितने भी कंस्टेंट्स है ये क्या रहना है, कॉमन रीजन में आना है आपको, कॉमन रीजन में सॉल्यूशंस मिलना है। तो वैसे रीजन को क्या बोलते हैं, इसे फिजिबल रीजन। नेक्स्ट 15th वन, तो फाइंड इज ए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। फाइंड पी ऑफ ए कॉमा बी इफ पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.32। ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये गिवन आपको क्या दिया इसमें, गिवन देन पी ऑफ ए इसका फॉर्मूला क्या था आपको, ये P of A intersection of B divided by P of B. Then 0.32 divided by 0.5 is equal to 16 divided by 25. ये total 15 questions. आपको कितने करना है, एनी 10. ओके, एनी 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एनुअल एग्जाम में। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, आंसर 2 मार्क्स में पार्ट बी। पार्ट बी में आपको ना टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से क्या करना है हमको, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एनुअल एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है, ये इज ए रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन। तो रिलेशन फंक्शन में कौन सा टॉपिक में ऐसा, इज ए 119 आन 2 इज ए टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। तो शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, minus 1 if x equal to 0 is neither 1 nor unto. क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, neither 1 nor unto. इसको हम एरो डायग्राम से भी इजीली हम समझ सकेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया इसमें आपको, x greater than 0, x equal to 0, x less than 0. ये क्या ना आपको, x less than 0 आना है। तो आउटपुट क्या हमारे पास, 1, 0, -1। एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग आती है। एक्स इक्वल टू 0, उसके बाद में एक्स लेस देन 0, -1, -2, -3 सो ऑन। तो आउटपुट देखो, एक्स ग्रेटर देन 0 पर तो आउटपुट क्या रहा हमारे पास, 1। ओके, एक्स 2 रहे तो आउटपुट इज 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 एंड 0, 1 एंड -1, -2, -1, -3, -1। अब यहाँ पे देखो, 1 1 फंक्शन के लिए ना हमारे को इज ए डिस्टिंट इमेजेस। तो यहाँ पे डिस्टिंट इमेजेस है क्या,
थ्री इनपुट्स हैं, आउटपुट क्या हमारे पास सेम आ रहा, दैट मीन्स एफ इज नॉट वन वन फंक्शंस. ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शंस ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो ओनली रियल नंबर 10 माइनस 1 है, नहीं तो आपको ये माइनस 2 माइनस 3 2 ये सब क्या हमारे पास इज ए रियल नंबर्स. इसके साथ इमेजेस बन रहे क्या आपको, इफ योर एलिमेंट ऑफ y, y आपका कौन सा, ये इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, इसके साथ इमेज बनना है, तो माइनस 2 इज ए नॉट ए इमेज ऑफ इन रियल नंबर. ओके दैट मीन्स f इज नॉट ऑन टू, ये ओनली थ्री वैल्यूज यहाँ पे, ओनली 0, 1, 0, -1 क्या हमारे पास ओनली 3 वैल्यूज हैं, तो इसलिए ना -2, -3 बाकी के भी रियल नंबर्स है उसके साथ इमेजेस नहीं बन रहे, दैट्स वाई एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शंस, हेंस एफ इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू. तो हम इसको ये मेथड से भी कर सकते हैं, ये तो आपको समझने के लिए, अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो ये वाले मेथड, इट कैन बी सीन दैट एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 इज आउटपुट इज 1. ओके f of x1 is equal to f of x2, both are equal, but x1 is not equal to x2, but 1 is not equal to 2. Okay, that f is not 1, 1. Next on to, so on to now, f of x takes only 3 values, 1, 0, -1 for the element -2r is a domain of 2R. ओके तो माइनस टू भी क्या हमारे पास इज है, इसके साथ इमेजेस बनना है, तो यहाँ पे नहीं बन रहा, दे डज नॉट एग्जिट एक्स इन डोमेन ऑफ आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, तो एफ इज नॉट ऑन टू. हेंस ये लाइन आपको एग्जाम में कंपल्सरी लिखना है, कंक्लूजन, हेंस द गिवन सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2. ओके तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2, तो टेन इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू π/3. ओके तो टेन इनवर्स ऑफ √3 कितना था, इसका आंसर π/3, बट sec इनवर्स ऑफ -2, sec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू π - sec इनवर्स ऑफ x, जो नेगेटिव एंगल है उसको क्या करना है, हमको फर्स्ट पॉजिटिव एंगल बना लेना है, तो पॉजिटिव एंगल मीन्स तो sec इनवर्स ऑफ -2, तो -2 इज इक्वल टू π - sec इनवर्स ऑफ 2, π - sec इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू π/3, तो 3π - π 2π/3, तो इसका आंसर कितना था हमारे पास 2π/3. ओके sec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 2π/3, अब दोनों को ऐड करो. ओके π/3 माइनस 2π/3 इज इक्वल टू -π/3. ओके तो आंसर कितना रहा इसका, -π/3. नेक्स्ट क्वेश्चन 18th one, write the domain and range of y is equal to tan inverse of x. तो इसका क्या करना है हमको, डोमेन फाइंड करना है और रेंज. तो डोमेन क्या था, tan inverse of x is equal to real number and range -90 to +90 is a open intervals. Okay, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो, y is equal to tan inverse of x, y is equal to sin inverse of x, okay, y is equal to cos inverse of x, write the domain and range. नेक्स्ट 19th वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द इक्वेशन 4, 3, x, 5 इज इक्वल टू y, z, 1, 5. दिस इज द मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये. ओके तो मैट्रिक्स में अगर हम x की वैल्यू टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आल्सो इक्वल, देन एक्स इज इक्वल टू 1. ओके नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 3. ये हो गया जेड इज इक्वल टू 3. तो सिंपल, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 3. कब करना है ये,
अगर टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आल्सो इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है. इज ए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड से. तो फर्स्ट आपको डिटर्मिनेंट करना है, तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन दिए हैं, तो x1 y1 x2 y2. तो आपको फार्मूला क्या है हमारे पास, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. तो आपको ये दो आउटपुट दिए हैं, तो आपको इक्वेशन के लिए क्या लेना है, एक्स वाई. थर्ड पॉइंट क्या था आपका, एक्स कॉमा वाई, ये इक्वेशन आपका 1 1 1. ओके, नेक्स्ट अब इक्वल टू क्या करना है यहाँ पे, जीरो. तो जीरो इक्वेशन फाइंड करना है, तो 1/2 एलिमेंटिंग प्लस माइनस प्लस. ओके, एलिमेंटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, तो कितना होता है, 6 × 1 6 माइनस y इंटू 1 y माइनस 2. एलिमेंटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × 1 3 माइनस x इंटू 1 x प्लस एलिमेंटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ओके, 3 × 1 3 फर्स्ट 3 × y 3 y माइनस 6x इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करो तो y कोड कितना था इसका आंसर, 2x. y इज इक्वल टू 2x. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इफ इज इट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, इज ए इम्प्लिसिट फंक्शंस. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. तो इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन का है. इम्प्लिसिट फंक्शंस में ना कौन से फॉर्म में रहता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0. तो आपको ना वाई डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शंस. अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. ओके, तो इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता, 2x, एंड दिस वन एक्स एंड वाई इज ए प्रोडक्ट रूल, यू इन टू वी. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, देन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एंड y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू 0. अब इसको पूरा अरेंज करो, 2x प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x dy बाई dx माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0. तो 2x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 0, देन dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, फाइंड dy बाय dx. ये भी क्या हमारे पास, इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म. तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली पैरामेट्रिक या पर्टिकुलरली इम्प्लिसिट फंक्शंस ये सब एग्जाम में नहीं देता. फाइंड dy बाय dx या तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, इफ डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है या पैरामेट्रिक है या चेन रूल है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280, देन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी. ये टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसे पैरामेट्रिक फॉर्म. ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. तो एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इज ए कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, एंड वाई का डेरिवेटिव वाई इक्वल टू 280 एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2a. तो यहाँ पे टी क्या हमारे पास इज ए पैरामीटर, देन डिफ्रेंशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी. तो डी वाई बाई डी टी इज वैल्यू 2a एंड डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 280 इज इक्वल टू 2a कैंसल, 1/t इज ए आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करें सके, इज ए चेन रूल क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक है, इम्प्लिसिट रूल के, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि दिस फंक्शन इज ए चेन रूल. ओके, तो चेन रूल में आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कैसा करना है,
पावर फंक्शन एंगल. ओके तो फर्स्ट क्या करो, पावर है क्या इसमें, देखो नहीं है, तो फंक्शन एंड एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है. तो फर्स्ट फंक्शन, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, साइन. ओके साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस एक्स स्क्वायर. ओके कॉस कॉस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कितना है कॉस एक्स स्क्वायर. तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो. ओके कॉस एक्स स्क्वायर फिर फंक्शन एंगल, तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके ये बाकी का पूरा सेम रखो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, इसको क्या करो फिर अरेंज करके लिखो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट क्या करना है, फंक्शन एंगल, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स. ओके दिस इज द पी एफ ए रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ओके वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 3 एंड एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1. अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है बस आपको ना वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाय डी एक्स. तो डी वाई बाय डी एक्स इसका डेरिवेटिव कितना था, एक्स टू द पावर ऑफ 3 का डेरिवेटिव ओके 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 0. देन एट x इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या दिया, सो एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 2 देन x इज इक्वल टू 2 देन dy बाय dx x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 1. तो कितना था 4 3 जो 12 12 माइनस 1 इज ए 11 आंसर. इसका कितना रहा, इसका 11 आंसर. तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट क्या दिए, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू डी एक्स. तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये. ओके इंटीग्रल, तो इसको ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं ना डायरेक्ट. ओके सब्स्टिट्यूशन मेथड लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है पुट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स. ओके पुट टी इज इक्वल टू क्या करना है लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स. ओके ये फंक्शन क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. तो एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. ओके देन 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी. तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर मीन्स टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3. ओके ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी. अगर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर है तो विथ रिस्पेक्ट टू डी टी तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू टी होल टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4. ओके ओके 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी. तो टी की वैल्यू कितना है हमारे पास, पुटी इज इक्वल टू लॉग टी लॉग एक्स. पुटी की वैल्यू क्या करें हम लॉग एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके तो अब इसका इंटीग्रेट कैसा करना है हमारे को, तो फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करें, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस साइन स्क्वायर एक्स गेट कैंसल माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. तो कॉस स्क्वायर गेट कैंसल रिमेनिंग 1 बाय साइन स्क्वायर. तो 1 बाय कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 बाय साइन स्क्वायर रेसिप्रोकल कोसेक स्क्वायर एक्स. देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी, इसमें इसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको फाइंड करना है. तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो डी वाई बाई डी एक्स ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स. ओके, अब इसका ऑर्डर कैसा फाइंड करते हैं. तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है यहाँ पे, वन. तो ऑर्डर इज वन, ऑर्डर इज इक्वल टू वन. एंड डिग्री इसका पावर चेक करना है, पावर कितना है इसका वन, देन डिग्री आल्सो वन. तो ऑर्डर वन एंड डिग्री आल्सो वन. तो फर्स्ट क्या करना है, कौन से भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में ऑर्डर वन था, इसका पावर आल्सो वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर. द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. अगर आज प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन दिया तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. तो ओके, तो फर्स्ट आपको ना a वेक्टर डॉट b वेक्टर फाइंड करो. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, a वेक्टर डॉट इज ए डॉट प्रोडक्ट, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. ओके, तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड इसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला से हम द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर का सोल्यूशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके, बी वेक्टर होल स्क्वायर. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, टोटल कितना था, टेन डिवाइड बाय रूट सिक्स इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री रूट सिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स. तो आपको पैरेललोग्राम कैसा फाइंड करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ओके, द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैसा फाइंड करते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू इज ए वेक्टर प्रोडक्ट i j k, उसके बाद में a1 a2 a3 b1 b2 b3. ओके, तो हम a1 b2 b3 पहले इसको सॉल्व कर लियो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो एलिमिनेट करने के बाद आपको आंसर ये वाला फॉर्म मिलेगा. तो इसका मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 15 रूट टू. द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 15 रूट टू स्क्वायर यूनिट्स. ये यूनिट कंपल्सरी लिखना है आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -600 फ्रॉम द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे पॉइंट एंड आपके पास एक प्लेन गिवन दिए हुए हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, द गिवन पॉइंट्स माइनस 601 एंड प्लेन. ओके, वी नो देयर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 z1 एंड द प्लेन ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज गिवन बाय, ये हो गया आपके पॉइंट्स. ओके, प्लेन 2 x की वैल्यू माइनस 3 y की वैल्यू 6 z माइनस 2. ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड माइ प्लस 6 होल स्क्वायर. तो इसका आंसर कितना था, माइनस 14 डिवाइड बाय रूट 49. तो 14 इज ए मॉडुलस 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2. ओके, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का,
द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग वेर इज सम नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो आपको यहाँ पे ना के वैल्यू फाइंड करना है ये डिस्ट्रीब्यूशंस में. वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज 1. देयरफॉर के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल टू 1. ओके, तो आपको क्या करना है, तीनों को भी ऐड करना है. के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल टू 1. देन के प्लस 2k 3k 3k प्लस 3k 6k प्लस 0 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स 6k इज इक्वल टू 1. देन k इज इक्वल टू 1/6. ये हो गए 18 क्वेश्चंस. ओके, 2 मार्क्स के, उसमें से आपको एनी 10 सॉल्व करना है, ओनली 10. आप अगर 11 टू 12 भी अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं. नेक्स्ट अब पार्ट सी. तो पार्ट सी में भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, 18 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. ओके, 10 × 3 ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. तो आपको ना जो क्वेश्चन नंबर 34 तो रिलेशन फंक्शंस में था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन पे ना एक कंपल्सरी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए होते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 and 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव. तो आपको प्रूफ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव बताना है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. तो आपको तो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन डिफाइन करके गिवन दिए से, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहना है हमारे को, 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो यहाँ पे है क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3. ओके, यस, तो आर इज रिफ्लेक्सिव. तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 का ऑर्डर पर भी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कौन से भी एलिमेंट सेलेक्ट करो, 1, 2. 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डिफाइंड हो रहा नहीं, चेक करना है आपको. 2, 1 इसमें रिलेशन में डिफाइंड हो रहा है, नहीं. दैट मीन्स 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिमेट्रिक. एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमारे को क्या होना है, a, b and b, c. तो यहाँ पे है a, b and b से स्टार्ट 2, 3. 1, 2 and 2, 3 बिलोंग्स टू R, बट फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, तो 1, 3 डिफाइंड हो रहा नहीं, चेक करना है. ओके, 1, 3 डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, नो. तो 1, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट फॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. ओके, नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको ना, प्रूव दैट 2 tan inverse of 1/2 प्लस tan inverse of 1/17 इज इक्वल टू. तो tan inverse आपको क्या करना है, tan inverse ऑफ 31/17 प्रूफ करना है आपको. ओके, तो प्रूव दैट पूछा तो आपको ना ये वाले टाइप के कंपल्सरी क्वेश्चन पूछता है, tan inverse ऑफ x प्लस, तो tan inverse ऑफ y इज इक्वल टू tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. ये जो फार्मूला है इसके ऊपर आपको ना एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछ सकते हैं एनुअल एग्जाम में. तो यहाँ पे ना 2 tan inverse of x, तो 2 tan inverse of x का फार्मूला, 2 tan inverse of x इज इक्वल टू tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है. देखो 2 tan inverse of x इज इक्वल टू tan inverse of 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर. तो tan इनवर्स ऑफ 2x, x की वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/2. 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7. नेक्स्ट 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स ऑफ 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 3/4. ओके, तो 1/3/4 इसको रेसिप्रोकल में लिए तो कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7. तो फिर इसको अगेन अप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y. ओके,
उसके बाद टेन इनवर्स आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना था 21, 27 फोर जर 28 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर 21 में इंटू 1 21, 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय 21, ए 21 ए 21 कैंसल, 28 प्लस 3 31, 21 माइनस 4 17, दिस इज द आरएचएस। तो आपको पूछा क्या था, एलएचएस इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 31 बाय 7। तो आप ए बेस पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ओके, 2, 3, 5, 7 का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने के लिए ना, आपको इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ए का मैट्रिक्स कौन सा आपके पास, ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड ए इनवर्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। ओके, तो 2, 3, 5, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ना ये जो फॉर्म है देखो, ये 2, 3, 1, 5, 7। ओके, तो इसको क्या करना है, 1, 0, 0, 1 फॉर्म में लाना है। तो आपको 2 की जगह पे क्या होना है हमारे को 1, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप। ओके, आर वन डैश चेंजेस टू 1/2 इंटू आर वन। अगर हम 1/2 को ना आर वन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो मल्टीप्लाई करते कितना था 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया 1 आंसर आपको। उसके बाद में अब 1 आते इसको क्या करना है, 0 बना लेना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, आर वन डैश चेंजेस टू, या आर टू चेंज करना है। ओके, तो आर टू चेंजेस टू आर टू, तो यहाँ पे चेक करो आप +5 या -5। ओके, तो इसको अगर -5/2 से क्या करना है आपको, डिवाइड कर लेना है। ओके, आर टू डैश इक्वल टू -5 इंटू आर वन। तो ये अप्लाई करके ये स्टेप आ जाता आपको। उसके बाद में 1, 0, अब इसको क्या करना है, ये वाले फॉर्म को 1 बना लेना है। ओके, अब इसको 1 बनाने के लिए -1/2, तो +3 आर वन डैश चेंजेस टू आर वन प्लस 3 आर टू से मल्टीप्लाई ऐड करो। उसके बाद में आपको लास्ट आर टू चेंजेस टू -2 इंटू आर वन। तो आंसर क्या था आपको ये, अगर आपको ये आंसर को वेरीफाई करना है, ओके, ये इनवर्स तो वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट क्या करना है हमको, 14। ओके, 14 - 15 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करो, इंटरचेंज करो 7, 2 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स साइन चेंज। ओके, ये आंसर है ना, चेक करो। अगर ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करे तो -1 × 7 -7, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करे तो --+3, फिर --+5, फिर -1 × 2 -2। ये आपको वेरीफाई करने के लिए, बट ये आंसर आप नहीं कर सकते एनुअल एग्जाम में। यहाँ पे पूछेगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज बाय कंसिडरिंग द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। तो आपको ये प्रॉपर्टी के ऊपर, डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज। तो आपको ना एक वैल्यू डेल्टा, अनदर वैल्यू इज डेल्टा डैश। ओके, इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो डेल्टा की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते कितना रहा है, इसकी वैल्यू -28। फिर डेल्टा डैश क्या करना है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, इसको रो को क्या करो कॉलम में लिखो। ओके, 2, 6, 1, तो इसको क्या करें, 2, 6, 1 को रो में लिख लिया, तो रो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। ओके, 2, 6, 1 - 3, 0, 5 - 4 - 5, तो दोनों का आंसर क्या आना हमारे पास, सेम आना है। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद में इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, हेंस दिस इज प्रॉपर्टी 1 इज वेरीफाइड।
ओके नेक्स्ट इज ए डेरिवेटिव क्वेश्चंस. इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. ओके तो एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई डी एक्स वाई इज ए इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो इज ए फॉर यू वी फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शंस. ओके तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एंड ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज ए चेन रूल. ओके डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली ई टू द पावर ऑफ एक्स होता है बट यहाँ पे फंक्शन फंक्शन ऑफ द फंक्शन ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव वन माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अब ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई की जगह पे हम एक्स वाई बोल के लिख सकते हैं इसको दिस इज द एक्स वाई वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई वन एक्स वाई माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. अब डी वाई बाय डी एक्स के टर्म एक तरफ कर लीजिए. ओके डी वाई बाय डी एक्स एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स वाई. ओके ये आपका आंसर होगा ये. ओके तो इसमें से y कॉमन लेना और इसमें से x कॉमन ले लो तो y x माइनस वन डिवाइड बाय x y प्लस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके तो पैरामेट्रिक फॉर्म ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा फाइन डी वाई बाय डी एक्स. तो पैरामेट्रिक में फर्स्ट इसको x को डिफ्रेंशिएट करो तो ये एज इट इज कॉस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा फिर इसको फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा का डेरिवेटिव इज वन. ओके नेक्स्ट वाई को डिफ्रेंशिएट करो तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितना ए थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा. ओके तो यहाँ पे ए थीटा कैंसल साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. ओके और नेक्स्ट अब पार्ट डी के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कल डिस्कशन कर चुके हैं और आगे के सेक्शन में हम पार्ट डी और पार्ट ई स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.